उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड गैंगस्टर अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने आज मार गिराया है। एनकाउंटर झांसी में एसटीएफ ने किया तो वहीं दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी था। पुलिस के मुताबिक इनके पास विदेशी हथियार भी मिले हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद ही ये दोनों फरार थे। एसटीएफ लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी और झांसी में इनकी लोकेशन मिलने पर पुलिस ने इन्हें मार गिराया है। एनकाउंटर पर उमेश पाल की मां ने कहा कि मेरे बेटे को सरेआम गोली मार दी। आज की कार्रवाई से हम लोगों को थोड़ी सी शांति मिली है। मेरे बेटे के हत्यारे मारे गए, ये जो दो एनकाउंटर हुए हैं उन्हें पाप की सज़ा मिली। देर है अंधेर नहीं है, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इधर अतीक की सुनवाई के दौरान एनकाउंटर हुआ तो वहीं एनकाउंटर की खबर उस वक्त सामने आई जब प्रयागराज कोर्ट में अतीक अहमद की रिमांड पर सुनवाई चल रही थी। अतीक अहमद को मंगलवार को साबरमती की जेल से प्रयागराज कोर्ट के अंदर ले जाया गया। उसके भाई अशरफ को भी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस को दोनों से उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ करनी है और उमेश के पास 200 सवालों की लिस्ट भी जारी है। वहीं उमेश पाल मर्डर केस में असद का नाम और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद शाइस्ता ने अतीक अहमद से नाराजगी जाहिर की थी। रोते हुए कहा था कि असद अभी बच्चा है, इसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। यह सुनने के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद नाराज हो गया और फोन पर डॉक्टर उसने शाइस्ता परवीन से कहा था, असद शेर का बच्चा है, उसने शेरों वाला काम किया है, आज उसकी वजह से ही मैं 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूँ। उमेश के चलते मेरी नींद हराम हो गई थी, अब तुम बेवजह बात करके मेरा मूड खराब ना करो, सब मैनेज हो जाएगा।